अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। अभी थोड़ी देर पहले मुझे अब्बास भाई ने कॉल की थी, मैं काम पे था, तो इन्होंने बोले भाई काम से छुट्टी करके आ जाओ, तो चलते हैं शॉपिंग करने। तो उधर से मैंने जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया, सीधा अब्बास भाई के पास आ गया। अभी यहाँ से हम शॉपिंग करने जा रहे हैं अब्बास से। तो दो जगह है अभी, एक है ब्रेड फूड बाज़ार और एक है जानान, तो उधर चलते हैं। तो साथ साथ आपको भी बताते हैं कि आज क्या ख़रीदना है, क्या है, सब कुछ आपको बताते हैं। और मेरी तो शॉपिंग हुई हुई है, अब्बास है, इसकी थोड़ी सी शॉपिंग रहती है, तो इसकी शॉपिंग भी इसको कराते हैं, क्योंकि पहले यहाँ से तूने कभी नहीं की ना, यहाँ से शॉपिंग कहाँ से की सर? बस मुझे नहीं। अच्छा, पहले ये जाता रहा शॉपिंग के साथ, पर पहले हम कभी साथ नहीं गए, तो आज हम साथ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। साथ कभी नहीं गए। और ये मेरा दोस्त भी अभी अभी बना है। कितने टाइम हो गए? दो एक साल हो गए। पहले शुरू में ये मेरा दोस्त था, पर इतनी गपशप नहीं थी इसके साथ, तो अभी अभी इससे थोड़ा गपशप बढ़ी है, थोड़ी दोस्ती बढ़ी है। तो उसने कहा इस दफ़ा साथ ही शॉपिंग के लिए चलते, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम हाजिर भाई के लिए। तो पहले हम जाएंगे जानान, उधर से देखेंगे कुछ, वहाँ से कुछ पसंद आया, अगर ना आया तो फिर ब्रेडफोर्ड बाज़ार चलेंगे। और आज का वेदर भी बहुत ही प्यारा हुआ है, धूप निकली हुई है बड़ी फिट करके, रोज़ा भी लग रहा है। हाँ यार, क्योंकि गर्मी है आज, आखिरी रोज़े सख्त हो गए ना कुछ ना कुछ। मतलब हम तो इतने मोटे पे अफेक्ट ही नहीं करते। आखिरी रोज़े थोड़े सख्त भी हो गए। आज इतना रश इसलिए बना हुआ है क्योंकि आज सब लोग ईद की शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं और रमज़ान आ गए, तो ये पूरा ऊपर तक बिजी है क्योंकि सब लोग ईद की शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं, क्योंकि 2-3 दिन बाद ईद है, तो सब बिजी हैं। ये पूरा ग्रेट ऑटन बिजी है, ये देखिए इतनी ट्रैफिक हुई हुई है। और मैं और अब्बास, अभी अब्बास ने तो शॉपिंग करनी है, और जो मेरा है, मेरी शॉपिंग हुई हुई है ऑलरेडी, मैंने बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेनी है कुछ। गाइस, तो अभी हम जनान गए थे, अब्बास भी मेरे साथ ही गया था, पर इसको या वहाँ से पसंद कुछ नहीं आया। अभी एक और जगह है बाज़ार, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे शायद इसको कुछ पसंद आ जाए, क्योंकि इसने ईद की शॉपिंग ज़रा भी नहीं की हुई और मैंने अपनी आधी ईद की शॉपिंग कर ली है, और इस मुझे खाली वेस्टकोट वगैरह लेना है और इसको पूरा सेट लेना है। तो यहाँ पर ये गया, इसको इतनी क्वालिटी भी कुछ खास नहीं लगी, क्योंकि जो कपड़ा था वो बहुत पतला पतला था ना, ख़राब हो जाता जल्दी। तो अभी हम जा रहे हैं बाज़ार, वहाँ पे देखते हैं अगर इसको कुछ पसंद आ जाए। अभी आपको ना मैं इतना मज़े का व्यू दिखाता हूँ कि अभी हम ब्रेडफोर्ड के किस्म के टॉप के ऊपर आए हुए हैं ना, जहाँ से सर सबसे नीचे जा रहे हैं, सॉरी। तो पूरा ब्रेडफोर्ड नज़र आ रहा है यहाँ से नीचे से। अब्बास को ये कलर पसंद आया है, ये वाइट कलर का। अब्बास भाई थोड़ा पाकिस्तानी स्टाइल कर रही है, पूरा है। अभी अब्बास भाई ने कपड़े तो ले लिए हैं, पर अभी दिखा नहीं सकते क्योंकि ईद का सरप्राइज रिवील हो जाएगा। तो बस शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, मैं भी अपनी शॉपिंग स्टार्ट करता हूँ, इसकी कंप्लीट हो गई है, और फिर चलते हैं घर को। अब्बास रोज़ा खोल लो। रोज़ा नहीं खोल सकते।
अब्बास ने शॉपिंग तो कर ली है पर ये भी कह मुझे कह रहा है बैग तुम पकड़ो यार पकड़ना। नहीं भाई मैं व्लॉग कैसे बनाऊंगा अगर बैग पकड़ सारे अनफॉलो करके सब्सक्राइब करके डिलीट क्यों अगर तेरा बैग पकड़ूंगा फिर तू बोलेगा कि सब्सक्राइब करो नहीं करो नहीं पर तेरा बैग कितना इसका बैग नहीं उठाया और ये मुझे कह रहे हैं कि भाई सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कर दो अनसब्सक्राइब करके फॉलो अनफॉलो करके डिलीट कर दो डिलीट कर रिपोर्ट मारता उसके फेसबुक पे एक सेकंड अगर ड्राइविंग नहीं पास करोगे ना तो ये सीन होगा ये देखो ड्राइविंग पास करो भाई जल्दी से ड्राइविंग पास करो अभी ये मुझे कह रहे हैं मेरे बैग उठाओ ये देखो जरिया भाई अपनी शॉपिंग करके जा रहे हैं अपनी नहीं इसकी शॉपिंग ये तुम्हारी है सारी चलने नहीं हो रहा ये हमको लेकर आए थे इसके लिए प्रेफरेंस करने के लिए इसको पता नहीं क्या लेना है नहीं 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 तो हमने इसकी हेल्प की इसको अब ये मेरे को बोला इसका सामान भी लेकर जाओ ऐसा थोड़ी ना होता है शॉपिंग इसलिए की है और ये कह रहे हैं कि बैग तुम उठाओ वाह भाई जाओ 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 शाबाश तेज चलो तेज तेज हम सब का आखिरी ठिकाना अभी भी रमजान है अभी भी मौका है तौबा कर लो क्यों बास भाई कोई भी परफेक्ट नहीं होता ये देख कितने ही लोग यहाँ पे पड़े हैं जो बड़े बड़े जिनके बड़े बड़े नाम थे यही बात है वो देख जिधर दूर दूर तक देख अल्लाह पाक से बंदे को हर वक्त माफ़ी मांगते रहना चाहिए भाई ये चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई यार इसको एक दफ़ा दिखा वो देखें चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब रोज़ा लगने लग गया आई गो लोज़ा अभी आधे रास्ते से मैंने बैग उठाए आधे रास्ते से ये बैग उठाएगा ये देखो बास भाई ये चढ़ाई नहीं चढ़ पा रहे पहला गियर लगाओ पहला गियर लगाओ अब ये अब्बास भाई घर जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बैग इन्हीं का ही था चले जी अल्लाह हाफिज करो सी यू टुमारो और सी यू टुनाइट हाँ जी गाइस तो अब्बास भी घर चला गया और मैं भी अभी घर आ गया हूँ बहुत थक गया हूँ रोज़ा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं मैंने तो इतनी शॉपिंग वगैरह नहीं की क्योंकि मेरी शॉपिंग ऑलरेडी हुई हुई थी और मैंने हाल ही वेस्टकोट लिया है तो अब्बास ने अपने सारे कपड़े वगैरह लिए पहले हम जानान स्टोर गए थे वहाँ से इतना कुछ क्वालिटी ख़ास नहीं थी फिर हम बाज़ार गए वहाँ से कुछ मिल गया तो अब्बास ने वहाँ से अपनी शॉपिंग वगैरह की तो मेरे कपड़े तो पहले मैं ले चुका था तो मैंने इसलिए कोई आज शॉपिंग वगैरह नहीं की तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट व्लॉग के लिए मेरा चैनल ज़रियाब खान तुर्क व्लॉग्स यूट्यूब पे सब्सक्राइब और फेसबुक को फॉलो ज़रूर करें इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अल्लाह हाफिज़